ये ग्लव्स लेकर आई हूँ, हाफ फिंगर वाले। ये ग्लव्स मैंने 8 और 9 ईयर के बच्चे के लिए बनाए हुए हैं। ये ग्लव्स बहुत ही बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं और आधे एक घंटे में ही आप बना के कंप्लीट कर सकते हैं। इस ग्लव्स में मैंने 46 फंदे लगाए हुए हैं नीचे, और ये मैंने इतना बॉर्डर बनाया हुआ है। ये आप चाहे बॉर्डर बड़ा भी बना सकते हैं और इसे छोटा भी बना सकते हैं। और ऊपर मैंने ये सिंपल सिंपल बनाया हुआ है और हाफ फिंगर वाला ग्लव्स बनाया है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे। ये इसमें मैंने 46 फंदे मैंने पहले से ही डाल के रखे हुए हैं। अब आपने क्या करना है कि मैं ये नीचे वाला आपको बॉर्डर बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने पहला फंदा ऐसे सीधा बना लेना है, फिर धागा ऊपर किया, और फिर दूसरा फंदा आपने ऐसे उल्टा बनाना, धागा फिर से नीचे किया और आगे का फंदा फिर से नीचे की तरफ। ऐसे ही हमने धागा ऊपर करना है और एक फंदा हमने उल्टा और एक फंदा सीधा बनाना है। ये फर्स्ट हमारी रो है, तो थोड़ी बनाने में हमें दिक्कत होगी, फिर आप आगे इसे आसानी से बना सकते हैं। ये हमारी अब फर्स्ट रो जो है कंप्लीट होने वाली है, एक उल्टा और एक सीधा। ऐसे ही हमने पूरी रो जो है कंप्लीट की है। ऐसे ही हमने जो है अब दूसरी सेकंड रो जो हमने वो भी हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ऐसे हमारा बॉर्डर जो बनके कंप्लीट हो जाएगा, एक उल्टी एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से कितनी भी लाइन बना सकते हो, 10, 15 या 20 या इससे बड़ा भी आप बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने इसमें 16 लाइन का बॉर्डर जो बनाया हुआ है। ये मैं आपको ऊपर तक बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये बॉर्डर जो कंप्लीट करना है। ये मैं 16 लाइन में आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारा बॉर्डर जो बनके कंप्लीट हो गया। ये हमने बॉर्डर की 16 लाइन जो है कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद क्या करना है हमने कि हमने ये फंदे जो है दो सिलाइयों में बराबर बराबर बांट लेने हैं। ये हमने बनाने नहीं है ऐसे ही, दोनों तरफ हमने 23 फंदे जो है कर लेने हैं। ये हमारे 23 फंदे हो गए। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी ये सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। अब इन दोनों सिलाइयों को ऐसे बंद कर देना है आपस में। ये हमारी बाहर की साइड उल्टी साइड आई, और फिर हमने इन दोनों फंदों को फिर से हमने एक सिलाई में डालना है। तो क्या करना है, पहले हमने ये वाला फंदा लिया, फिर आगे का फंदा लिया, फिर एक पीछे का लिया और फिर एक आगे का लिया। ऐसे हमने सारे फंदे एक सिलाई में फिर से भर लेने हैं, एक आगे का और एक पीछे का। यहाँ हमें तीसरे
जी सिलाई के जरूरत पड़ेगी। ऐसे हमने सारे फंदे जो हैं एक एक करके ये सारे फंदे एक सिलाई में हमने भर लिए हैं। अब हमने वही फंदा बनाना है जो हमारी साइड वाला फंदा है वो हमने बना लेना है, और दूसरा जो पिछली साइड वाला फंदा है वो हमने ऐसे ही स्लिप करना है। ये हमने सारे फंदे और उल्टे उल्टे बनाने हैं क्योंकि ये हमारी सीधी तरफ अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ हमारा उल्टा है। ये हमारा पहला फंदा बनाया हुआ है तो ये पीछे की साइड का है। अब ये दूसरा फंदा जो हमारी साइड वाला है तो उसको हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। दूसरा फंदा ये फिर से हमारा पीछे वाला फंदा आ गया तो इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। दूसरा फंदा जो हमारा हमारी साइड वाला है तो इसको हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे और इसको उल्टा बनाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये फंदा जो पीछे साइड पीछे की साइड वाला है तो इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। ये अपने साइड वाला फंदा जो हम इसको ऐसे उल्टा बना लेंगे। ये फिर पीछे वाला ऐसे स्लिप, आगे वाला ऐसे बनाएंगे। ये सारा हमने ऐसे ही बनाते जाना है, पीछे वाला स्लिप और आगे वाला उल्टा फंदा। ये हमने अपने साइड वाले फंदे सारे बना लिए। अब सिलाई को हम फिर से ऐसे मोड़ेंगे तो फिर हमारे जो पीछे के फंदे हमने स्लिप किए वो हमारे इस साइड आ गए। तो फिर से हम अपनी साइड वाले फंदे जो हम ऐसे बनाएंगे और पीछे वाले स्लिप करते जाएंगे। ऐसे ये अपनी साइड वाला फंदा बना लिया और पीछे वाला ऐसे स्लिप किया, फिर अपनी साइड वाला ऐसे बना लिया, पीछे वाला स्लिप किया। ये दोनों तरफ से हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। जो अपनी तरफ आएगा फंदा वो हमने बनाते जाना है और पीछे पीछे वाली साइड का फंदा जो हमने ऐसे स्लिप करते जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ग्लव्स गोल राउंड में बनता जाएगा, आपको ऊपर सिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये फिर से हमारी इस तरफ वाली रो भी कंप्लीट हो गई। फिर से हमने इस सिलाई को पलटा मारा और फिर से हमारी इस साइड वाली रो जो हमारे इस तरफ आ गई। तो फिर से हमने वैसे ही फंदे बनाने, हमारा पहला फंदा जो है बना हुआ है तो इसको हम ऐसे ले लेंगे, ये पीछे की साइड वाला है, और फिर ये अपनी साइड वाला फंदा हम ऐसे बनाएंगे। ये पीछे की रो वाला फंदा हमने ऐसे लिया, फिर अपनी साइड वाला फंदा ऐसे बनाया। ये आपको ऐसे करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कौन सा पीछे वाला है और कौन अपने साइड वाला। ये सारा ग्लव्स हमने ऊपर तक ऐसे कंप्लीट करना है। अपने ऐसी रो तब तक बनाते जाना है जब तक आपको अंगूठा छोड़ना हो। ये हमने ऊपर अंगूठा छोड़ा है तो हमने यहाँ तक इतना सा हम बना के दिखाते हैं। जब यहाँ पहुँचेंगे तो हमने ये अंगूठा छोड़ना है, तो मैं आपको बताऊँगी कैसे अंगूठा छोड़ना है। ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। यहाँ तक सारा ऐसे ही बना रहा है। 14 लाइन जो है कंप्लीट हो गई, 14 इस तरफ और 14 इस तरफ। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने जो है अंगूठा बनाना है तो हमने क्या करना है, वैसे ही हमने पहला फंदा ऐसे ले लिया और दूसरा फंदा जो हमने अपनी साइड वाला से बना लिया। ये पीछे वाला फंदा स्लिप किया, आगे वाला फंदा बनाया, फिर से पीछे वाला स्लिप, आगे वाला बनाया। ऐसे ही हमने 10 फंदे बना लेने हैं। ये हमारे 10 फंदे हो गए। अब फिर से हमने जो सिलाई यहाँ से ही मोड़ देनी है, धागा आगे किया और ये हमारा बनाया हुआ फंदा है, और फिर आगे का फंदा हमने ऐसे ही बना लिया। हमने ये बार बार जो है ये 10 फंदे ही हमने ऊपर तक बनाने हैं ताकि हमारा जो अंगूठा है वो बन सके। जैसे हमने नीचे बनाया वैसे हमने ऊपर बनाना है, पर हमने सिर्फ 10 फंदे ही हमने ये वाले कंप्लीट करने हैं। ऐसे ही हमने 6 लाइन जो है कंप्लीट करनी है। सिक्स इस तरफ और 6 इस तरफ, दोनों तरफ हमने 6 लाइन जो कंप्लीट करनी है, फिर हमारा जो है ये अंगूठा बनके तैयार हो जाएगा। ये मैं आपको 6 लाइनें कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी अंगूठे की 6
सिक्स लाइन जो कंप्लीट होगी, सिक्स इस तरफ और सिक्स इस तरफ। अब हमने इसको क्या करना है, जैसे ये हमने बंद किया हुआ है ऐसे गोल राउंड में फंदे, वैसे हम इसको भी बंद करेंगे। ये जो हमारे दोनों साइड के फंदे जो हमें इनको अलग कर लेना है। अब हमारे अपनी तरफ वाले फंदे जो हमने एक सिलाई में ले लेने हैं। ये दोनों तरफ के फंदे हमने अलग अलग सिलाई में ले लिए, अपनी तरफ वाले इस सिलाई में और उस तरफ वाले इस सिलाई में ले लिए। अब क्या करना है कि हमने इसको बंद करना है। जैसे हमारे ये हैं तो हमने इन दोनों को एक साथ दोनों फंदों को एक साथ लेना है, दो का एक कर देना है। फिर इस फंदे को इसी में डाल के फिर आगे के दो फंदों को बंद कर देना है। ऐसे हमारे फंदे जो बंद होते जाएंगे आगे के, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे। फिर फंदा ऐसे में डाल के फिर आगे के फंदे जो हमने ऐसे बंद कर लिए। ये फिर अब इस सिलाई में फंदे रह गए हैं, दूसरे हमने बंद कर दिए। फिर इस फंदे को ऐसे में डाल के ऐसे ही हमने सारे फंदे जो हैं बंद कर दिए। ये जो हमारा लास्ट का फंदा है ये हम इस धागे को यहाँ से काट के इसी में से ऐसे निकाल देंगे और फिर बाद में हमने ये जो हमारा इसको इधर सुई से अटैच कर देंगे। अब इसके बाद जो हमने ये हमने यहाँ से लेकर ऊपर तक हमने ये लाइंस बनानी है। ये फाइव लाइंस जो हमने इसके ऊपर और बनानी है, जैसे हमने नीचे बनाया वैसे हमने ये सारी लाइन के हमने फाइव लाइनें जो है इस तरफ और फाइव इस तरफ कंप्लीट करनी है। ये हमारी अब अंगूठे से ऊपर हमारी फाइव लाइन जो कंप्लीट हो गई, फाइव इस तरफ और फाइव इस तरफ। अब इसके बाद क्या करना, हमने अंगूठे के बाद हमने ये वाली उंगली जो है बनानी है। तो जैसे हमने अंगूठा बनाया वैसे ही सेम ये पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया और दूसरा फंदा हमने अपनी तरफ वाला फंदा ऐसे बनाया, ये पीछे वाला फंदा ऐसे ले लिया, अपनी तरफ वाला फंदा बनाया। ऐसे ही हमने जो है 10 फंदे बना लेने हैं। ये हमने 10 फंदे जो है बना लिए हैं। अब सिलाई फिर यहाँ से ही पलटा मारना है, धागा जो ऊपर करना है और पीछे वाला फंदा बना ऐसे ले लिया और अपनी तरफ वाला फंदा फिर ऐसे बना लिया। सेम ऐसे ही फंदे बनाने हैं। इसमें सिर्फ करना क्या है कि जितने आपको उंगलियों के लिए और जितने आपको अंगूठे के लिए फंदे चाहिए उतने ही आपने ये बार बार से बारी बारी बनाने हैं। तो मैंने ये उंगली के लिए 10 फंदे बना रही हूँ। ये हमने 6 रो जो कंप्लीट करनी है ऊपर तक, फिर हमारी जो है उंगली भी बन के तैयार हो जाएगी। ये जो हमारी अब 6 लाइन जो कंप्लीट हो गई है, अब इसके बाद जो हमने ये फंदे जो हैं ऐसे निकाल के ये अपनी साइड वाले फंदे जो हैं एक सिलाई में ले लेने हैं और दूसरे वाले फंदे दूसरी सिलाई में
अलग से भरने हैं। तो ऐसे अपनी तरफ वाले मैंने ऐसे भर लिए और इस तरफ वाले अंदर जो मैंने ऐसे सिलाई में भर लिए। अब क्या करना है कि हमने ये दोनों सिलाई के फंदे जो हमने ऐसे बंद करने हैं। आप इसे सिलाई से भी बंद कर सकते हैं। धागा जो यहीं से काट के इस फंदे के बीच से ऐसे निकाल देना। निकाल के फिर हमने क्या करना है कि हमारा ये जो है आपस में अटैच करना है, तो इसको हम सुई से इस धागे से ही सिल देंगे। ये हमारा एक अंगूठा और एक उंगली बन गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमने 9 फंदों का एक आगे वाली उंगली बनानी है और 9 फंदों की आगे की और नेक्स्ट फंदों के हमने एक और उंगली बनानी है। ऐसे हमने 3 उंगलियाँ जैसे हमने ये बनाई, वैसे पहले एक उंगली बनानी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसे ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारा ग्लव्स जो बन के अब तैयार हो गया है। अब इसकी हम जो साइड में ये सिलाई करेंगे, जैसे हमारा ये इन दोनों उंगलियों के बीच में ये हमारा गैप सा बन गया है, तो हमने ये सारे गैप जो हैं बंद कर दिए हैं। बाकी के सारे गैप बंद कर दिए हैं। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये बंद करना है। ये वाला गैप, ये सुई में हमने धागा डाला हुआ है और इसको यहाँ से ऐसे टांका लाएंगे। ऐसे इसको हम टांका लगाते जाएंगे। गांठ दे देंगे। ये हमारा जो अटैच हो गया। अब इसको हम, ये हमारा ऊपर तो हमारा गोल राउंड में चल रहा था, पर नीचे का बॉर्डर जो हमें सिलना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सिल के बताती हूँ। ये धागा छोड़ा हुआ है, इसके साथ हम इसको, ये हमारा ग्लव्स जो है बन के रेडी हो गया है। ये मैंने पहन के दिखाया कि कैसे ये ग्लव्स जो है लग रहा है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।